ये बड़े हैरत की बात है कि नागरिक कोरोना के खिलौने से खेल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को नागरिक ही धता बता रहे हैं। सोशल डिस्टेंस और मास्क नहीं लगाना जब तक रोजमर्रा के कामों में शरीक नहीं होगा, कोरोना से जंग चलती रहेगी। रविवार की दोपहर को कोरोना को शिकस्त देने वाले 11 मरीजों की छुट्टी हुई तो इसी दिन देर रात आई रिपोर्ट में 20 पॉजिटिव मरीजों ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया। 315 सैंपल में 20 मरीजों में कोरोना पाया गया, जिनमें 11 पुरुष तथा 9 महिलाएं शरीक है। 5 मरीज जावरा, 1 मरीज ताल, शेष 14 मरीज रतलाम से हैं, जो अरियंत परिसर, लक्ष्मणपुरा, मोमिनपुरा, नयापुरा तथा हाट रोड के हैं। रविवार को कोरोना पॉजिटिव 87 मरीज थे, जो अब 107 हो गए हैं। एक्टिव 28 केस की संख्या भी 48 हो गई है। पॉजिटिव मरीज सामने आते ही देर रात प्रशासनिक अमला मरीजों के क्षेत्रों में पहुंचा और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की पड़ताल की। लक्ष्मणपुरा तथा अरियंत परिसर नए कंटेनमेंट क्षेत्र में शरीक हो गए हैं। एसडीएम लक्ष्मी गामर सहित अमले ने पहुंचकर व्यवस्था देखी और क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट एरिया बनवाया। मरीजों की लगातार संख्या बढ़ने से नागरिकों को सबक लेकर बचाव के लिए नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक हो गया है। अपनी खेती की जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत के बावजूद थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर एक सरकारी स्कूल के टीचर ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से डीआईजी से गुहार लगाई है। मामला सरवन पुलिस थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के ग्राम खंकई गांव में सरकारी स्कूल टीचर वीर सिंह राणा की कृषि भूमि है। इस कृषि भूमि को लेकर पिछले कुछ समय से इनके परिवार से जुड़े कुछ लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं और कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। भूमि पर कब्जे को लेकर न्यायालय तक में मुकदमा चला, जिसमें वीर सिंह राणा के पक्ष में फैसला हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी सामने वाले लोगों ने इनसे विवाद किया, जिसकी शिकायत सरवन पुलिस थाने से लगातार की गई, किंतु सरवन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीर सिंह राणा ने थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर डीआईजी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ ये वीर सिंह राणा जी है, एक नाथूलाल राणा है। ये दोनों की जमीन जो है ग्राम सरवन में है और सरवन के पास जो खंकई गांव है वहाँ पर दोनों की जमीन है और इनके नाम पे रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड भूमि है, लेकिन इनके परिवार के लोग पिछले कई 4-6-8 महीने से उनको परेशान कर रहे हैं और वो जबरन ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर आए दिन लड़ाई झगड़ा फसाद करते रहते हैं। कोर्ट में दोनों के बीच में मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन मुकदमे में भी हमारा इनके पक्ष में आर्डर हुआ है, नाथूलाल राणा के पक्ष में भी हुआ और वीर सिंह राणा के पक्ष में भी आर्डर हुआ, लेकिन इनके परिवार के लोग जो है वो उसको आर्डर को भी नहीं मान रहे हैं और झगड़ा फसाद करते और कह रहे कि जान से ख़त्म कर देंगे और कई केस में मारपीट भी हुई। इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार थाना प्रभारी को की, लेकिन थाना प्रभारी ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। हमने एसडीओ साहब को कहा, एसपी साहब को कहा, एसडीएम साहब को कहा, कई शिकायत आवेदन देने के बाद आते दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। बीच में एसपी साहब को भी हमने आवेदन दिया था और एसपी साहब ने सारी जानकारी लेने के बाद हमारे सामने ही उनको फटकार लगाकर सही काम करने के निर्देश दिए थे। इन बिटवीन साहब का एक्सीडेंट होने के बाद साहब जब हॉस्पिटलाइज और उपचार है उस दौरान पीआई साहब ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया और अभी यह स्थिति है कि वो लोग फिर इनकी ज़मीन पर जबरदस्ती हाकाई जुताई करने के लिए आ रहे हैं और रोकने पर लड़ाई झगड़ा और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 23 फरवरी को जांच रिपोर्ट इनका एक मकान भी तोड़ दिया और टीआई साहब से इसकी रिपोर्ट तलब की तो कहा कि नहीं साहब वो मकान तो तोड़ दिया और बना रहा है वो उसका बता रहा है। जब उन्होंने साहब ने कहा कि जब उसका मकान रिकॉर्ड में उसका है तुम कैसे कह रहे हो। पावर हाउस रोड पर सिटी टू लेन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से पावर हाउस रोड से सैलाना बस स्टैंड तक की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। नागरिकों और वाहन चालकों के लिए आने जाने हेतु कोई संकेतक या सूचना नहीं होने से यहां से गुजरने वाले नागरिक परेशान रहे, बार बार जाम लगने के हालात बनते रहे, जिससे इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। जाम लगने और नियमों के विपरीत आगमन होने से वाहनों का जमावड़ा लग गया। व्यवस्था बिगड़ने से एक्टिवा पर सवार महिला गाड़ी सहित सड़क पर गिर गई। निर्माण एजेंसी को रास्ता बंद होने और घूमकर जाने सहित अन्य व्यवस्था की सूचना चस्पा करनी चाहिए, जो नहीं की गई। सड़क पर मटेरियल डालने पर रविवार को मौके पर पहुंची कलेक्टर ने भी आपत्ति लेकर चेतावनी दी थी, रास्ता अवरुद्ध ना हो इसका ध्यान रखा जाए। शहर में इस वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर संयश के बादल है। जगन्नाथ जी की यात्रा सरकारी अनुमति पर ही टिकी हुई है। अनुमति मिलेगी तो ही शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी।
स्थानीय थवरिया बाजार में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पर रथ यात्रा आयोजन समिति द्वारा रथ यात्रा निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। समिति द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए रथ यात्रा निकालने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली जाएगी। अगर जिला प्रशासन से अनुमति मिल जाएगी तो ही शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर मंदिर में पूजा पाठ आदि करके परंपरा निभाते हुए समिति के 5 सदस्य भगवान जगन्नाथ के रथ को प्रतीकात्मक चलाकर पुनः मंदिर में रख देंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विगत 27 वर्षों से समिति द्वारा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी हम प्रशासन के पास अभी हम गए थे, लेकिन प्रशासन से मुलाकात नहीं हो पाई। अगर प्रशासन हमको अनुमति देगा तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए रथ यात्रा निकाली जाएगी। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो समिति द्वारा मंदिर में ही पूजा पाठ कर अभिषेक कर कार्यक्रम किया जाएगा। अगर परमिशन नहीं मिल पा रही है जैसे, तो इतने सालों से जो रथ यात्रा निकल रही है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रशासन से हम मांग करेंगे, हमारे इतने साल से हम छोटा कर निकाल रहे हैं तो परंपरा न टूटे, इसलिए हम कुछ समिति के 5 से 10 लोग मिलकर इस रथ को या थोड़ी सी दूरी से घुमाकर वापस मंदिर परिसर लाएंगे। रीगन क्षेत्र के रहवासी रेलवे के स्वामित्व वाले नाले से खासे परेशान हैं। मानसून के समय यह परेशानी और भी उस बढ़ जाती है, जब निकासी नहीं होने से नाले का पानी रहवासियों के घर में घुस जाता है। उक्त नाले की सफाई मानसून पूर्व करने की मांग पर कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने DRM कार्यालय पहुंचकर ADRM कमल किशोर सिन्हा से मुलाकात की। नाले से आ रही दिक्कतों पर कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने एन टाइम्स को बताया। फ्रीगंज रोड के पीछे रेलवे का जो नाला बह रहा है, जिसमें रनिंग रूम एवं रेलवे स्टेशन का पानी, गंदा पानी बह के आता है, वह गत 8-10 वर्षों से उसकी सफाई नहीं हुई है। इसकी मांग क्षेत्रवासियों ने पहले भी की थी और अब आज पुनः हमने DRM के नाम ज्ञापन ADRM श्री सिन्हा साहब को दिया है और उनसे मांग की है कि वे नाले की सफाई शीघ्र अतिशीघ्र कराएं, क्योंकि इतनी गंदगी भरी हुई नाले में, जिसके कारण रहवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और हमने आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही वह नाले की सफाई कराएंगे। कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंस सबसे जरूरी है, बावजूद इसे जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी के सामने ही सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए छोटे कारोबारियों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने मजदूर डायरी के लिए पंजीयन शुरू करवाए हैं। विकास शाखा, नगर निगम कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर किया जा रहे पंजीयन के लिए सुबह से उमड़ रही भीड़ को देख समझा जा सकता है कि बेरोजगारी किस स्तर तक पनप चुकी है। काम ढूंढने के लिए नागरिकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लॉकडाउन की आड़ में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को प्रबंधन ने बेरोजगार बना दिया है। पंजीयन करवाने गए लोगों ने रोजगार की होड़ में सोशल डिस्टेंस को ही ताक पर रख दिया है। सर्वोदय नगर में बीती रात को करीब 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद लोगों ने एक मकान पर तोड़फोड़ कर दी। हथियारबंद लोगों ने मकान में रहने वाले लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग भी किया। घटना बीती रात करीब 11 बजे की है। सर्वोदय नगर निवासी मदनलाल गोरासी अपने घर में परिवार के साथ थे। मेन गेट बंद था, तभी अचानक करीब 10 से 15 हथियारबंद लोगों ने उनके घर के बाहर खड़े होकर गाली देने लगे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। घर के खिड़कियों के कांच फोड़ दिए, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की, घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल भी तोड़ फोड़ दी। करीब 20 से 25 मिनट तक उत्पात मचाने के बाद ये हथियारबंद लोग चले गए। मकान में रहने वाले मदनलाल बोरासी का कहना है कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। उन्होंने रेल आवास खाली किया तो उसमें अवैध रूप से रहने कोई चला गया, जिसकी शिकायत हुई। संभवतः उसी को लेकर यह घटना कारित हुई। मदनलाल बोरासी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मदनलाल बोरासी कौन से एरिया है? ये सर्वोदय नगर। क्या हुआ था रात में? रात को 11 बजे करीब आए, हम लोग खाना वाना खा रहे थे और उस दरमियान आए और बताऊँ पूछा, वो गाली गुप्त बखने लगे और हमारे यहाँ दरवाजे खिड़की ये तोड़ गए। कारण कुछ? कारण तो कुछ भी नहीं है, हमारे को मालूम नहीं कि बताऊँ क्या है। और वो एक मकान का वो कोई मैटर है उनका? मकान का कोई मैटर है? हाँ, रेलवे क्वार्टर में अवैध रह रहे हैं, तो उनकी कोई कंप्लेंट हुई होगी तो हाँ। बोले कि तुमने करी। अच्छा, और उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, आपने रेलवे क्वार्टर खाली करा था, उसी क्वार्टर में रह रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा,
तो रात को कितनी बजे की बात है और कितने लोग आए थे करीब? 11 बजे की बात है और 10 से 15 जने होंगे ये। और क्या क्या लाए थे? तलवारें थी उनके पास, सरिये थे, हाकियाँ थी, डंडे थे। फिर थोड़ी देर धमाल करके ये लोग चले गए? हाँ, थोड़ी देर धमाल करके, तोड़ फोड़ करके और ये लोग चले गए।